नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं बारस मर्ज। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बने सूरी रत्ना के उस पार्क की, जहां पर दक्षिण कोरिया के लोग उसके अन्यायी हैं जो अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। आपको बता दें, आगामी फरवरी में एक 60 से 70 लोगों का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा और वो राम मंदिर का भी दौरा करेगा। ऐसे में आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में 2000 साल पहले एक कथा के मुताबिक वहां की एक रानी दक्षिण कोरिया के राजा से शादी कर ली थी। आइए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी का सार। कोरिया से अयोध्या क्यों आ रहे हैं लोग, दिलचस्प है कहानी। दक्षिणी कोरिया में एक लोक कथा प्रचलित है जिसमें हजारों साल पहले अयोध्या की राजकुमारी के दक्षिण कोरिया जाने का जिक्र है। इसीलिए वहां के एक विशेष समुदाय के लोग अयोध्या के प्रति आस्था रखते हैं और राम मंदिर को लेकर के भी वो काफी खुश हैं। दक्षिणी कोरिया के एक लोक कथा के मुताबिक 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अपनी किशोरावस्था में ही घर छोड़कर कोरिया के लिए निकल गई। राजकुमारी ने 4500 किलोमीटर की दूरी नाव से तय की और कोरिया पहुंचकर राजा किम सूरो से शादी कर ली। राजवंश के स्थापक राजा से शादी के बाद राजकुमारी सूरी रत्ना रानी हियोहांगा ओके के नाम से जानी जाने लगी। इस दंत कथा के बारे में भारत के लोगों को पता नहीं है और अधिकांश भारतीय ये भी नहीं जानते कि दक्षिण कोरिया के 60 लाख लोग खुद को सूरी रत्ना के वंशज मानते हैं और वो अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। इसीलिए जब 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब उसे दक्षिण कोरिया के लोगों ने ऑनलाइन देखा। दक्षिण कोरिया के ये लोग अब राम मंदिर आने का इंतजार में हैं। हर साल अयोध्या आते हैं इस समुदाय को दक्षिण कोरियाई, खुद को रानी सूरी रत्ना का वंशज बताते हैं। सेंट्रल कर क्लीन सोसाइटी के कई लोग हर साल अयोध्या आकर क्वीन ह्यू मेमोरियल पार्क में रानी के स्मारक में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रानी का यह स्मारक अयोध्या में सरयू नदी के तट पर साल 2001 में बनाया गया था। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने दक्षिण कोरिया के गिमहा शहर के साथ पार्टनरशिप में बनाया था। सेंट्रल कार्क क्लैन सोसाइटी के महासचिव किम चिल शु से कहा कि अयोध्या हमारे लिए बेहद खास है और हम इसे अपने ननिहाल के रूप में देखते हैं। किम को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी मिला था और वो सहर्ष रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई थी। कैसा है रानी सूरी रत्ना का स्मारक पार्क? रानी सूरी रत्ना को समर्पित पार्क लगभग 2000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसमें एक मेडिटेशन हॉल, रानी और राजा को समर्पित मंडप, फवारा, विभिन्न चित्र और ऑडियो वीडियो सुविधाएं। मंडपों को कोरियाई शैली में बनाया गया है जिसके छत छिछले हैं। कोरिया के यू जीन ली 22 अन्य लोगों के साथ फरवरी के महीने में अयोध्या आने वाले हैं। वो कहते हैं, हम हर साल अयोध्या कर रानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बात हमने सोचा कि राम मंदिर भी जाएंगे। हमने राम मंदिर उद्घाटन समारोह को ऑनलाइन देखा और ये काफी शानदार अनुभव था।